अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, भाई हम आपको कैसे सिखाएंगे, आज हम खुद सीख रहे हैं। तो आज हम इस कलर्स को आपस में मैच करेंगे, क्रॉस मैच करके हम एक कलर जनरेट करेंगे। एक मिनट, कॉपी किधर गई। हाँ जी, तो येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनेगा। येलो कलर और रेड कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बनेगा। देखते हैं बनता भी है कि नहीं। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर और इसके बाद हम इसमें मिक्स कर देते हैं रेड कलर। ठीक है, फिर हम पेंट ब्रश के ऊपर तो पेंट लगा हुआ है, जब आपने कलर मैच करने हैं तो आपका ब्रश बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं तो इस पे लगा जो पेंट है वो उसमें मिक्स हो जाएगा तो वो कलर सही तरह मैच नहीं होगा, ये ऑरेंज कलर नहीं बनेगा। तो भाई हमने बनाना है ऑरेंज, तो वाओ बन रहा है यार, ऑरेंज कलर बन रहा है। अमेजिंग, तो भाई वाकई यार ऑरेंज कलर बन जाता है यार। ये देखें, वाओ यार अमेजिंग, कितने कमाल की लॉजिक है यार ये। और इसके बाद हमने कलर बनाना है जी ब्लू और येलो, इसको हम फिर से साफ कर लेते हैं। और ब्लू और कौन सा बनाना था, येलो, ब्लू और येलो, थोड़ा सा हम ले लेते हैं ब्लू कलर, ऑयल पेंट है ये, और येलो। तो भाई कौन सा कलर बनता है, ग्रीन कलर, वाओ देख लेते हैं भाई। तो ये है ब्लू और येलो को जब हम मिक्स करते हैं, वो वाओ यार अमेजिंग, ग्रीन ग्रीन शेड आना शुरू हो गई है। तो ये आप जो पीछे पाकिस्तान देख रहे हैं ना, पाकिस्तान का जो फ्लैग है तो इसमें भी ग्रीन कलर की है और ब्लू और येलो को मिक्स करके ग्रीन कलर बन गया, वाओ यार अमेजिंग। तो ये इसका भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये रह गया सैंपल। अमेजिंग, इसके बाद जो कलर है ना हमारे पास, रेड और ब्लू को मिक्स करें और पर्पल कलर बन जाता है। ऐसा भी हो सकता है यार, कोई सोचा नहीं था। अच्छा, रेड और ब्लू, रेड कलर किधर गया, रेड ये है हमारे पास, रेड और ब्लू को मिक्स करें तो बनता है कौन सा कलर बनता है भाई, ब्लू को मिक्स करें तो बनता है जी, इसको अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। जी तो ये साफ हो गया, तो अब हम टेस्ट करते हैं, ये है जी रेड और ब्लू कलर, तो बन जाएगा पर्पल। अमेजिंग, थोड़ा डार्क है इसको, अगर हमने लाइट करना है तो अगर हम इसमें मिक्स करें वाइट कलर तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करें, तो ये थोड़ा सा पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर बन जाएगा यार,
ये तो कमाल नहीं हो गई, हमें तो अमेजिंग जामन कलर बन गया, पर्पल कलर। इसके बाद जो है ना कलर आ गया है जी, येलो और लाइट ब्लू कलर को बनाना हो, लाइट ब्लू कलर भी हमारे पास, लाइट ब्लू कलर और येलो को मिक्स करें तो कौन सा बनता है भाई, लाइट ग्रीन कलर। थोड़ा सा ले लिया जी हमने येलो कलर और इसके अंदर लाइट ब्लू कलर जो है ना हम मिक्स में मिक्स मिक्स करके देखते हैं, क्रॉस मैच करते हैं जी, कैसा लगता है जी। सर्दी गाइस बहुत ज़्यादा है बाहर, इसको हम फिर से साफ कर लेते हैं, इसलिए अच्छी तरह अपने आप को रैप किया हुआ है जी। तो हमने इसमें येलो और लाइट ब्लू कलर को हमने मिक्स की करना है, तो देखते हैं जी कौन सा बनता है। लाइट ग्रीन कलर हमने बनाना है ना, अमेजिंग। ये तो डार्क थोड़ा सा हो गया, ये जो हमने पहले ग्रीन कलर बनाया था ना ये वाला, ये मेहंदी कलर की शेड दे रहा है, यानी कि लाइट ग्रीन है, ये तो डार्क हो गया यार। अगर हम इसमें वाइट मिक्स करें, या हम ऐसा करते हैं इनके आपस में कलर, वाओ यार हम इन सब कलर को आपस में मिक्स करते हैं तो देखते हैं क्या शेड देता है। तो सेम कलर ही हो गया। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, नॉलेज नॉलेज वाली वीडियो थी, तो मुझे तो यार बहुत मज़ा आया यार कलर मैच करके। तो जब मैंने सारे कलर्स को आपस में मिक्स किया तो ये एक ही कलर बन गया, ग्रीन कलर। तो गाइस बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो हाँ, और दूसरा ये दिखा दूँ कि मीनारे पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना एंड फ्रेंडशिप का हैंडशेक और गुमजो टावर, इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।